क्या बोले भगवान को। उन्होंने सोचा होगा कहीं क्या पता कोई कन्या का विवाह या पाठशाला या कोई सेवा ये बताएंगे, तो उन्होंने कहा भगवान को याद करो। तो वास्तव में देखा जाए भगवान को याद करने के समान कोई सेवा नहीं है। बाकी अपने जो भंडारे है या किसी को सहयोग है वो तो जरूरी है ही, इसका मतलब ये नहीं कि संपन्न होते हुए भी नहीं करना दोष लगता है। इसलिए तो हमारे कल आपने गीता का पाठ सुना ही होगा नहीं, 11 अध्याय में 33वां या 34वां श्लोक, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे देने वाला तो ठाकुर जी है ही, लेकिन क्यों ना अपने भी निमित्त हो जाओ, तो सार बात ये। और दूसरी बात, और भगवान का स्मरण करते हुए अपना काम करो। कल आपने गीता पाठ सुना ही होगा, जो लोग रात दिन पाठ करते हैं तो उसमें 8वां अध्याय का शायद 7वां श्लोक, तस्मात सर्वेशु कालेशु और मां मनुस्मर युद्ध से। देखो बहुत विचार करने की बात है, स्वयं ठाकुर जी अर्जुन को क्या बोलते हैं, अरे तू तो युद्ध करता हो मेरा स्मरण कर। स्वामी जी महाराज इस प्रसंग को बड़े भाव से बोलते थे, बोले अपने यहाँ कौन सा मारकाट वाला काम है, अपने यहाँ तो रसोई का काम करना, घर का काम करना, बच्चों का काम करना, पतिदेव का काम करना, आए गए उनका काम करना और साथ ही साथ भगवान को याद करना, ये सार बात है। अब अपने मान लो जोधपुर से चले या कहीं से कोई भी चले यहाँ के लिए, अगर अपने यहाँ कथा में नहीं आए है ना, धाम तो सब जगह है ही, जिनके लिए चले कथा में नहीं आए तो बड़ा थोड़ा अटपटा लगता है। पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण दिया करते थे, बोले प्रयागराज गए, इधर गए उधर गए उधर सब जगह घूमे, बोले स्नान किया कि नहीं किया, बोले भीड़ बहुत थी स्नान तो नहीं किया, तो फिर क्यों खुटी हुए। ऐसे ही अपने संसार में आए भगवान का भजन के लिए, सेवा के लिए और अमरकंटक धाम के लिए। यहाँ अगर भजन नहीं करो, स्नान नहीं करो, दर्शन नहीं करो, कथा का श्रवण नहीं करो, फिर कोई मतलब नहीं। अरे घूमना फिरना तो अपने वहां खूब है, मुंडर उद्यान और भी कई कई, लेकिन घूमने से क्या है कि अपने जो भी एक जगह रहने से कभी कभी वायरस घुस जाता है, वायरस बोले तो ये गुस्सा, कभी कभी चिड़चिड़ापना, एकांतपना, उन सबको निवारण के लिए इसलिए तुम्हारे शास्त्र में क्या कहा, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा।